तो दोस्तों कैसे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन्फिनिक्स का एक स्मार्टफोन के बारे में बातें करने वाले हैं जिसका नाम है इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस। दोस्तों इस फोन को जो है इन्फिनिक्स ने हाल ही फिलहाल हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च करा है। फोन बहुत अच्छे होने वाला है, मतलब ये फोन जो है एक एंट्री लेवल का फोन है। मतलब दोस्तों इस फोन का प्राइस रखा गया है 6,999 रुपये, मतलब 7,000 रुपया। तो 7,000 के अंदर इस फोन में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में आप अगर एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन को खरीदना चाह रहे हैं, मतलब आपका बजट अगर 7,000 के अंदर है और आप चाहते हैं एक पैसा वसूल फोन, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस के बारे में। फोन जो है दोस्तों एकदम पैसा वसूल फोन है। तो जो भी दोस्तों चलिए बातें करते हैं इस फोन के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग। और इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं इन्फिनिक्स का नया फोन जिसका नाम है इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस, उसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले बातें कर लेते हैं फोन के डिजाइन के बारे में। तो जहां तक बात है डिजाइन की, तो इसमें आपको देखने को मिलता है प्लास्टिक बॉडी डिजाइन, मतलब इस फोन का जो बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। पीछे तरफ आपको देखने को मिलता है 3 कैमरा का सेटअप, मतलब दोस्तों 7,000 के अंदर आपको 3 कैमरा का सेटअप वाला फोन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और साथ में LED फ्लैश भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में तीनों कैमरा और फ्लैश को ऊपर तरफ लेफ्ट कॉर्नर में से वर्टिकली फिक्स करा गया है। और इस फोन का बीचों बीच, मतलब पीछे तरफ बीचों बीच आपको देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट स्कैनर। मतलब दोस्तों आमतौर पर 7,000 के फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया, जो कि एक अच्छी बात है। तो बात कर लेते हैं सामने तरफ की। दोस्तों सामने तरफ इस फोन में आपको 6.21 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे वाला वाटर ड्रॉप। मतलब दोस्तों इस फोन का दाम है 7,000, लेकिन उसके बाद भी इस फोन में आपको वाटर ड्रॉप वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और इस फोन का जो बेजल्स है ना, काफी कम छोड़ा गया है इस फोन का बेजल्स। और नीचे तरफ आपको थोड़ा सा चेन देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों जहां तक बात रहा ओवरऑल डिजाइन की, तो फोन बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो बातें कर लेते इस फोन के डिस्प्ले के बारे में थोड़ा डिटेल्स से। दोस्तों जहां तक बात रहा इस फोन का डिस्प्ले, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं कि इस फोन में आपको 6.21 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको देखने को मिलता है वाटर ड्रॉप। इस फोन का डिस्प्ले में आपको HD+ का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। मतलब दोस्तों अगर प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए, तो इस फोन में आपको अच्छे डिस्प्ले देखने को मिल जा रहा है, एक बेहतर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इस फोन का जो डिस्प्ले, उसका व्यूज एंगल भी अच्छा है। मतलब कोई भी एंगल से आप अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा व्यूज आपको देखने को मिल जाएगा इस फोन के डिस्प्ले में। तो बातें कर लेते इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों जहां तक बात रहा इस फोन के प्रोसेसर की, तो इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा MediaTek का हेलो A22 प्रोसेसर, जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों ये प्रोसेसर ठीक ठाक प्रोसेसर है, मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको फोन में देखने को मिल जाएगा। मतलब इस फोन में आप जो है जो डेली यूज है ना, सारे काम आप बढ़िया से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आप जो है पबजी जैसा गेम को इस फोन में नहीं खेल पाएंगे। मतलब दोस्तों पबजी गेम को जो है आप इस फोन में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि पबजी गेम जो है थोड़ा ज्यादा साइज का है, कुछ बड़े साइज का है पबजी गेम। इसलिए दोस्तों पबजी गेम को जो है आप इस फोन में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन पबजी गेम जैसा एक गेम है जिसका नाम है फ्री फायर, उस गेम को आप इस फोन में बड़े आराम से एंजॉय कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो फ्री फायर गेम के बारे में आप जानते होंगे, पबजी जैसा ही है, तो उस गेम को जो इस फोन में आप बड़े आराम से एंजॉय कर पाएंगे। उसके अलावा जो छोटा मोटा गेम वगैरह होता है ना, टेम्पल रन वगैरह, जो मतलब जो भी छोटा मोटा गेम वगैरह होता है, वो सारे गेम को इस फोन में आराम से खेल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। और डेली लाइफ में जो सारे यूज में आप लेते हैं अपना फोन को, वो सारे काम जो इस फोन का प्रोसेसर बड़े आराम से कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि प्राइस के हिसाब से इस फोन में आपको अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये फोन से गेमिंग के लिए नहीं। मतलब दोस्तों डेली लाइफ में गेमिंग के अलावा जो सारे काम आप अपना मोबाइल में करते हैं, अपना मोबाइल से करना चाहते हैं, वो सारे काम जो इस फोन का प्रोसेसर बड़े आराम से करके दे देगा। और छोटा मोटा गेम भी आपको चला के दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों जो बड़े बड़े साइज का गेम वगैरह होता है, वो सारे गेम जिस मोबाइल में नहीं चल पाएगा। तो जो भी है दोस्तों, अभी बातें कर रहे थे इस फोन का जो हाईलाइट फीचर, मतलब इस फोन का कैमरा के बारे में। तो सबसे पहले बातें करते हैं पीछे तरफ के कैमरा के बारे में। तो आपको पता होगा इस फोन का पीछे तरफ आपको 3 कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें से एक हो गया 13 मेगापिक्सल का, जो कि मेन कैमरा है। दूसरा हो गया आपका 2 मेगापिक्सल का, जो कि आपका डेप्थ सेंसर है। और जो तीसरा कैमरा है, वो एक्चुअली लो लाइट के लिए इस फोन में लगाया गया है, मतलब लो लाइट में, ताकि इस फोन का जो कैमरा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, इसलिए तीसरा कैमरा को लगाया गया है। मतलब दोस्तों इस फोन का जो पीछे तरफ का कैमरा का परफॉर्मेंस है, अच्छे खासा होने वाला है। अगर प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए, तो इस फोन का जो कैमरा है वो अच्छे खासा परफॉर्मेंस करने वाला है। साथ में इस फोन का जो कैमरा AI कैमरा है, और साथ में इस फोन में बहुत सारा कैमरा का मोड भी आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब ब्यूटी मोड वगैरह हो गया, पोर्ट्रेट मोड वगैरह हो गया, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे मोड देखने को मिल जाएगा। और जहां तक बात रहा इस फोन का सेल्फी कैमरा की, तो इस फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छे खासा परफॉर्मेंस कर देता है। और इस फोन का जो सेल्फी कैमरा है, उसमें भी आपको बहुत सारा मोड देखने को मिल जाएगा, मतलब HDR मोड, पोर्ट्रेट मोड, ब्यूटी मोड, मतलब जो सारे मोड आपको आमतौर पर कैमरा में मिलते हैं, सारे मोड जो है इस फोन का सेल्फी कैमरा में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब इस फोन का जो कैमरा परफॉर्मेंस, चाहे बैक कैमरा हो, सेल्फी कैमरा, दोनों ही साइड के कैमरा का परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत ही अच्छे होने वाला है प्राइस रेंज के हिसाब से। मतलब 7,000 के अंदर आपको 3 कैमरा का सेटअप मिल रहा है, पीछे तरफ आपको डुअल LED फ्लैश मिल रहा है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है, वो भी दोस्तों AI के साथ। मतलब इस फोन का जो कैमरा परफॉर्मेंस है, अच्छी खासे रहने वाला है। और जहां तक बात रहा बैटरी की, तो इस फोन में आपको 3500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। मतलब 7,000 के अंदर आपको देखने को मिल जा रहा है 3500 mAh की बैटरी, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और दोस्तों इस फोन में आपको USB टाइप सी देखने को नहीं मिलता है, मतलब इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा माइक्रो SD पोर्ट। और साथ में इस फोन में आपको जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया हुआ नहीं है,
क्योंकि दोस्तों 7000 के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग के उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। तो जो भी दोस्तों इस फोन का जो बैटरी का परफॉर्मेंस वो भी अच्छे खासे होने वाला है, क्योंकि इस फोन में आपको 3500 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जहां तक बात रहा सेंसर्स की, तो इस फोन में आपको सारे के सारे सेंसर देखने को मिल जाता है। मतलब दोस्तों इतना कम प्राइस होने के बावजूद भी इस फोन में आपको कोई सेंसर मिसिंग देखने को नहीं मिलेगा। एक स्मार्टफोन में जो सारे सेंसर होना चाहिए सारे सेंसर इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और जहां तक बात रहा सिम स्लॉट की, तो आपको मैं बताना चाहूंगा इस फोन में आपको एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। मतलब इस फोन में आप जो दो सिम कार्ड और एक एसडी कार्ड को बड़े आराम से यूज कर पाएंगे। तो ऐसे इस फोन में आप दो दो 4G सिम कार्ड को एक साथ में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक होता है ना कि भाई एक 3G तो एक 4G, एक 2G तो एक 4G, ऐसा नहीं है। दोनों सिम कार्ड जो आपका 4G सपोर्ट करने वाला है इस मोबाइल में, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और साथ में इस मोबाइल में आपको एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन मतलब एंड्रॉइड 9.0 देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और दोस्तों साथ में इस फोन में आपको फेस अनलॉक का भी फीचर देखने को मिल जाएगा। मतलब इतना कम प्राइस में आमतौर पर फोन में आपको फेस अनलॉक के फीचर देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस फोन में आपको फेस अनलॉक भी दिया गया है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है, काबिल तारीफ है। साथ में इस फोन में आप जो है मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। मतलब इस फोन में दो दो ऐप्स को आप एक साथ में चला सकते हैं, जो होता है ना वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों भी बातें कर लेते इस फोन के प्राइस के बारे में, मतलब इस फोन के दाम के बारे में। तो आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में इस फोन का दाम रखा गया है 6999 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 7000 रुपये। तो 7000 रुपये आपको क्या मिल रहा है, 2GB RAM 32GB इंटरनल स्टोरेज। मतलब इस फोन का जो रैम रहने वाला है वो 2GB रहने वाला है, और जो इंटरनल स्टोरेज रहने वाला है वो 32GB रहने वाला है। मतलब 2GB RAM 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट का हमारे देश में कितना है, 6999 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 7000 रुपये। तो दोस्तों 7000 रुपये में फोन अच्छे खासे फोन रहने वाला है। मतलब ये फोन जो आपका डेली लाइफ में नॉर्मल यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फोन में देखने में भी फोन ठीक ठाक है। और साथ में 2000 आपको 3 दिन कैमरे का सेटअप भी मिल रहा है, और सामने तक आपको 8 MP सेल्फी कैमरा भी मिल रहा है, 3500 mAh की बैटरी भी मिल रहा है। मतलब दोस्तों अगर ओवरऑल सब मिला के देखा जाए तो ठीक ठाक पैकेज है, इस फोन का प्रोसेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यही था इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस के बारे में सब कुछ, जो कि आपको मैं बता चुका हूं। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि इस फोन के बारे में जो सारी चीज आपको मैं समझने की कोशिश कर रहा था वो सारी चीज आप समझ चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका मन में कोई भी सवाल इस फोन को लेकर के, तो दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम जरूर से जरूर कोशिश करेंगे आपका सवालों का जवाब देने की। तो दोस्तों ऐसे में मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो, ये जो जानकारी आपको अच्छा लगा हो। तो ऐसे में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपना दोस्त अपने फैमिली वाले का, ताकि जो जानकारी इसके बारे में उन लोग भी जान पाए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, ऐसे जानकारी वाले वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो में रोजाना आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।